नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह। दिल्ली में 8 सितंबर से G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। इस वक्त दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत में मौजूद हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उड़ीसा के कोणार्क चक्र के बारे में बताया, लेकिन क्या आपको इसके इतिहास के बारे में पता है? आइए हम आपको बताते हैं कि भारत की विरासत में कोणार्क चक्र क्या अहमियत रखता है। पीएम मोदी भारत मंडपम में जिस जगह मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, उसी के बैकग्राउंड में कोणार्क चक्र भी बना हुआ है। इसी के चलते जब पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत किया, तो उनसे हाथ मिलाने के बाद पीएम मोदी कोणार्क चक्र के बारे में बताते हुए भी दिखे। जो बाइडेन ने काफी ध्यान से पीएम मोदी की बात भी सुनी। बता दें कि कोणार्क चक्र का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हा देव प्रथम के शासन काल में किया गया था। इस चक्र में 24 तिलियां हैं, जो कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी दिखाई देती है। कोणार्क चक्र की घूमती गति समय काल चक्र के साथ साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है। इतना ही नहीं, ये चक्र लोकतंत्र के पहिए के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में जाना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इनकी 24 तीलियां भगवान विष्णु के 24 अवतारों को दर्शाती है, तो वहीं कुछ मान्यता कहती है कि ये तीलियां 24 अक्षरों वाले गायत्री मंत्र को प्रदर्शित करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के वास्तुकारों ने धूप घड़ी बनाने के लिए खगोल विज्ञान के अपने ज्ञान का उपयोग किया था, और इसका डिजाइन जटिल गणितीय गणनाओं पर आधारित है, जो पृथ्वी के घूमने, सूरज, चांद और सितारों की गतिविधियों को ध्यान में रखता है। ये पूरे दिन और पूरे साल सूरज की गति को ट्रैक कर सकता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।